Hey guys, welcome back to my channel Rohit Vlogs. कैसे हो सभी? इट्स अ मॉर्निंग टाइम, बहुत अच्छा वेदर है एंड मैं यहाँ आया था वर्कआउट के लिए. एंड पिछले दो तीन दिन से मैंने वर्कआउट नहीं किया अच्छे से. वर्कआउट थोड़ा बहुत किया बट व्लॉग नहीं शूट कर सका. सो आज मैंने एक तगड़े वाला व्लॉग शूट करना है जिसमें मैं वर्कआउट करने वाला हूँ, अपना लेग्स को ट्रेन करने वाला हूँ एक तो, प्लस मैंने कोर की कुछ एक्सरसाइज ऐड करी है और बस यही आज मैं परफॉर्म करने वाला हूँ अच्छे से. एक्सरसाइजेस कम है बट उसके जो रेपिटेशंस और सेट्स है वो मैंने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं. तो चलिए बने रहिएगा इस वीडियो के साथ एंड तक. एंड जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट, कमेंट करो जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है, सजेशन है. एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना. और आज यहाँ जहाँ पर मैं वर्कआउट करता हूँ वहाँ पर कुछ सेशन है किसी का, ये कराटे वगैरह सिखा रहे हैं. I don't know the name of the game but something like that. तो उनको भी enjoy कीजिएगा पीछे background में. तो चलिए शुरू करते हैं video को.
चुका हूँ तगड़े वाला। एंड जो लोग घर पे ही वर्कआउट करते हैं और जो पार्क वर्कआउट करते हैं, जिम में नहीं जाते, तो आई विल सजेस्ट कि फॉलो दीज काइंड ऑफ वर्कआउट जो मैं परफॉर्म करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा वेट्स नहीं है, बट ये भी हैवी है मेरे लिए, अराउंड 20-20 kg के ये डंबल्स हैं, प्लस 10-10 के अलग हैं, और थायरा बैंड, उसी से ही मैं सारे वर्कआउट करता हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू गाइस, इफ़ यू फॉलो दीज काइंड ऑफ वर्कआउट, डेफिनेटली यू विल फील अ ग्रेट पम्प, ग्रेट चेंज इन योर बॉडी। बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट ईयर जब पेंडेमिक था 2020 में, उससे पहले मैं काफ़ी वर्कआउट करता था जिम के अंदर, बट जब वो वर्कआउट पेंडेमिक हुआ, उसके बाद से मैंने वर्कआउट शुरू किया अपना पार्क में या फिर घर पे ही करता हूँ, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई डोंट गो टू जिम नाउ, लेकिन मैं इसी से ही बहुत अच्छा वर्कआउट करता हूँ। इट्स माय ऑनेस्ट सजेशन, इफ यू हैव डंबल्स, डोंट वेट फॉर द जिम और समथिंग लाइक दैट, जस्ट स्टार्ट डूइंग दीज काइंड ऑफ वर्कआउट, यू विल फील अ ग्रेट पम्प। और जितने भी रेपिटेशंस और सेट्स मैंने वर्कआउट में किए थे वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, प्लस वीडियो के अंदर भी मैंने डाल दिया, तो आप उसमें से देख सकते हैं। बेसिकली मेरे जो आज रैप्स थे वो थोड़े हाई थे और सेट्स भी हाई थे, वो एक्सरसाइज कम थी मेरी। चलिए मिलते हैं, और अब मैं जा रहा हूँ अपने फेवरेट टाइम के लिए, लस्सी पीने के लिए फार्मर्स पे। मुझे मैम को भी पिक करना था, मैम योगा कर रहे हैं और अभी तक आई नहीं, बोला 8 बजे, 8 बजने में अभी भी टाइम है, अराउंड 5-7 मिनट्स हैं। और आप बताइए कैसे हैं सभी, क्या कुछ चल रहा है, वर्कआउट चल रहा है कि नहीं चल रहा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, अगेन सेम सजेशन, स्टे हाइड्रेटेड जितना ज़्यादा हो सकता है, जितना तो नहीं, ऐसा नहीं कह रहा कि 5-10 जो है कोकोनट वाटर आप दिन में पीजिए, बट एटलीस्ट एक वाटर आपको एक तो मिनिमम पीना ही चाहिए, प्लस लेमन आप 2 बार ले सकते हैं, मैं भी यही करता हूँ एक बार। एंड रिगार्डिंग माय टुडेज वर्कआउट जो मैंने किया था आज, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो मैंने सबसे पहले स्ट्रेच किया था, उसके बाद मैंने स्टार्ट किया था एक ओन बॉडी वेट स्क्वाट्स के साथ, और जो स्क्वाट्स के जो रेपिटेशंस थे वो थे 30, एक सेट के अंदर मैंने 30 रैप्स लगाए और मैंने 5 सेट्स किए थे ओन बॉडी वेट स्क्वाट के, मतलब कितने हो गए 150 मैंने जो है ओन बॉडी वेट स्क्वाट्स किए थे सबसे पहले। उसके बाद जो सेकेंड एक्सरसाइज थी वो मैंने करी थी लंजेस, विदाउट वेट मैंने किया था, सिंस आई हैव नी प्रॉब्लम तो मैं उसे सिर्फ ओन बॉडी वेट ही कर पाया, वो भी मैंने जो है 30-30 के 5 सेट्स किए थे, अगेन कम्स टू 150। और थर्ड मैंने किए थे वेटेड स्क्वाट्स, वेट मैंने हाथ में ले लिया था एंड उसको नीचे हैंग किया हुआ था, और उसी के साथ मैंने जो है स्क्वाट्स किए थे, वो मेरे रैप्स थे 15-15 के मैंने रैप्स किए थे। आप जो है थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं, मे बी मेरे थोड़ा पेन था इसलिए मैंने उसको 15 ही किया, कुछ सेट्स के अंदर 20 भी किया, बट मैंने 15-15 के जो है मैंने 7 सेट्स लगाए थे। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना एब्स वर्कआउट, एब्स का वर्कआउट है आप वीडियो में अभी तक देख चुके होंगे, एकदम आ चुकी है, अब मिलता है थोड़ी देर के बाद, बाय, टेक केयर। चाबी निकाल लो, चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, नए वर्कआउट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, जय हिंद, बाय, टेक केयर।